नमस्कार, सनस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। नजरें डालते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और ये जगह उन्होंने पूरी 49 साल बाद बनाई है। और इस बात पर नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान को फोन कर उनके प्रदर्शन की सराहना की। परंतु सेमीफाइनल में जब टीम बेल्जियम से हारी तो टीम के जितने भी फैंस थे और टीम के खिलाड़ियों के परिजन बहुत हताश हो गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूरे 49 साल बाद टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची, परंतु जब टीम बेल्जियम से सेमीफाइनल में हारी तो टीम इंडिया के फैन और खिलाड़ियों के परिजन हताश हो गए। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी गुरजंत के परिजन टीम सेमीफाइनल में हार जाने की वजह से रो पड़े। गुरजंत की बहन का कहना है कि टीम सेमीफाइनल में गई, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। इस बार टीम इंडिया का प्रदर्शन देख पीएम नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बात की और टीम के अच्छे खेल प्रदर्शन की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में पराजित होने वाली टीम से इंडियन हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए गुरुवार को भिड़ेगी। पेगासस जासूसी मामले में सरकार को घेरने की नीति राहुल गांधी ने बनाई है। इसके लिए राहुल गांधी ने विपक्ष को संसद पे साइकिल मार्च निकालने के लिए आमंत्रित किया है। संसद में पेगासस जासूसी मामले पर सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कुल 14 विपक्षी शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस विपक्ष मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने संसद तक साइकिल संभाली। इस साइकिल मार्च में कई विपक्षी भी शामिल थे। कार्तिक चिदंबरम और गौरव गोगोई जैसे नेता भी शामिल हुए। इसके साथ ही आरजेडी से मनोज झा ने भी साइकिल चलाकर अपना समर्थन जताया। मनोज झा का कहना है कि विपक्ष बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। विपक्ष अब पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई। इसके चलते भीम मिलिट्री के लोगों ने प्रदर्शन किया और इसके खिलाफ दिल्ली के कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई है। दिल्ली में फिर एक बार ऐसा मामला सामने आया जिससे दिल्ली की जनता गुस्साई नजर आई। दिल्ली कैंट में एक 9 साल की लड़की का शव रविवार को बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की शमशान में पानी लेने गई थी और वही करंट लगने से लड़की की मृत्यु हो गई। अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। भीम आर्मी के लोग इस मामले को रेप और हत्या बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, बच्ची के लिए प्रदर्शन भी करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ अत्याचार और हत्या की भयानक घटना हुई है। हमारी टीम मौके पर है। ये हमारा अपना परिवार है। वह मेरी बहन थी। मैं खुद पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार के खिलाफ संसद में विपक्ष की जोरदार नारेबाजी हुई और इसके साथ ही संसद में बहुत सारा हंगामा भी देखने मिला। इसी के चलते संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामे का माहौल देखने मिला। संसद वेल पर जमकर विपक्ष नारे करने लगे। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश में संसद में विपक्ष ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। पिछले 2 दिन से संसद में यह हंगामा और नारेबाजी चल रही थी और इसी के साथ ही मंगलवार की संसद की कार्यवाही में भी नजर आई। किसान और पेगासस मामले को लेकर संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पेगासस मामले पर जासूसी बंद करो जैसा नारा लगाया गया। किसान विरोधी बिल वापसी लेने की भी मांग गूंजती नजर आई। इसी के चलते संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अब देश घूमना हो गया है और भी आसान। IRCTC लेकर आया है कम खर्चे में देश घुमाने वाली ट्रेन। IRCTC जल्द ही भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। कोरोना की वजह से कई लोग बहुत समय से बाहर नहीं निकले हैं, उनके लिए यह स्वर्ण अवसर हो सकता है। यह ट्रेन 12 दिन और 11 रातों का पैकेज आपको देगी। बताया जा रहा है कि ट्रेन पूरी सुविधाओं से युक्त है।
यह ट्रेन आपको भारत के जाने माने जगहों की सैर कराएगी। इस ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC से डायरेक्ट और आसानी से कर सकेंगे। यह ट्रेन भारत के कई खास शहरों से गुजरेगी, जैसे हैदराबाद, जयपुर, गुजरात, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अमृतसर जैसी जगह शामिल है। इस ट्रेन के पैकेज का कुल किराया 11,340 रुपए है। इसमें आपको स्लीपर क्लास में यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही धर्मशाला में नाइट स्टे मल्टी शेयरिंग में मिलेगा। सुबह की चाय, कॉफी, नाश्ता, लंच, डिनर, 1 लीटर पानी रोजाना आपको मिलेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस और सैनिटाइजेशन किट की सुविधाएं भी मिलेगी। और भी अन्य सुविधाएं इसमें शामिल है। और भी जानकारी के लिए आप IRCTC साइट पर जा सकते हैं। ऐसी और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सनस्टार TV। धन्यवाद।